नमस्कार, गुड मर्निं एवरी वन, वेलकाम बेक अल अफ यू। नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाग्रोनानै थाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो सान्दों जे मैयानि समावहाय प्रेस मिट खालामनानै मिस्टार प्रमद बर' जोंनि बिटिआरनि सिइएम बिथाङा बेवहाय माखासे बाथ्रा फोरमायनायखौ आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोनो सान्दों, आरो बिथांनि भिडिअ क्लिपखौबो आं लाबोगोन। बिथाङा मा मा बुं हास्थाया नोंथांमोना कमेन्ट खालामना हरनायनि गेजेरजों बुंहर। आङो बिथांनि माखासे बुंनायनि बाथ्रायावनो आङो डिफिनिसन होनो सान्दों। दिनै बिथाङा थांनाय इलेक्सनावहाय पिसफुलैहाय थांजोब्बाय होननानै बुंदों, आरो बिथांनि बाथ्रानिफ्राय जोङो मिन्थिनो मोन्दों जोंनि बर'नि गेजेराव एकर्ड मोनथाम खालामनाय जाबाय 1993 आरो 2000 माबायावहाय 3 आरो नैबे रिसेंटलि जानाय जोंनि बिटिआर, बे मोनथामनि गेजेरावहाय सबसे साबसिन हिसाबै बिथाङा नैबे बिटिआर एकर्डखौनो साबसिन होननानै बिथाङा बुंदों, आरो बेनो बयनिख्रुइ साबसिन शान्ति सुक्ति होननानै बुंदों। नाथाय आङो बेवहाय मोननो थाङाखै, देर इज न' पिसफुल माइ फ्रेन्डस, आङो बेवहाय जेबो लोगोफोर आङो बेवहाय जेबो मोननो थाङाखै। आरो बिथाङा बुंदों दा बिटिआरनि मोनसे जा एग्रिमेन्ट खालामनाया इट इज नट आन्डार स्टेट बाट आन्डार काउन्सिल होननानै बिथाङा बुंदों। दा बिथाङा स्टेटनि आन्डाराव गैया, डाइरेक्ट काउन्सिलनि आन्डारावसो दङ होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय जोङो सिगांनि जे हाग्रामा महिलारि बिथांजोंहाय जे एग्रिमेन्ट जानायावहाय जोङो नुनो मोन्दों बहाय टटेलि गासैबो काउन्सिल हिसाबै गासैबो पावारखौ बाहायजोबनाय, पावार आरो फांसनखौ दा जोङो स्टेटजोंसो सालायजानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। नैबे बिथांनि बे पइन्टखौ आं बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बुंदों, इट इज नट आन्डार स्टेट होनदों। जोंनि बे काउन्सिल जे एग्रिमेन्ट जानाया माबाजों नङा, दा नङामोन बे सैथो, नाथाय दिनै गासैबो जोङो स्टेट गभर्नमेन्टजों सालायजानायखौ जोंनो मोन्दों, आरो मोनसेबो पावार फांसनखौ मोनसेबो खामानिखौ बिथाङा मावनो हायाखै। बिथाङा मा मा बुंदों नोंथांमोनहा बेनि गेजेराव खोनासंनायनि गेजेरजों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। बे दानो बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा, दस्रानि गाद्दिखौ सिख'नानै सिख'नाय बायदि खालामनानै दिनै बिथाङा पिस होनब्ला बेखौ जोङो मोननो हाया। माखासे मुंख्लं बातनिफोरनि बाथ्राखौ बुंदों, मुंख्लंफोरनि बै समावहाय बिथाङा गोबांथार मिथिं थावथिङाव बुंदोंमोन माखासे माबा पाब्लिकफोरनि अभाब, उद्योग आरो इडुकेसन सेक्टरावहाय जेबो मानगोनां हाग्रामा महिलारिया जेबो खुंनो हायाखै, जेबो मावनो हायाखै। आरो नाथाय दा बिथांनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जे सरकार खुंनायाव जों नुनो मोन्दों बिथाङासो जेबो मावनो हासिनिखौसो जों नुनो मोन्दों, आरो बिथांखौ जोङो लेक्सारल'खौ जोङो नुदों। दा बिथांमोना मावनानै माखासे जिनिसफोरखौ दिन्थिनांगौमोन, दासिमबो बिथांमोना सत्र' बोसोर बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों। दिनै बिथांमोननो बे खाबुखौ होबाय ना, थांनाय 17 बोसोराव थांबाय थांबाय दे, दिनै सोलायनायनि नामावहाय गासै पाब्लिकफ्रा नोंथांमोननो दिनै बिटिआर सरकारनो सापर्ट हिसाबै बिथांमोना लाखिलि दा सरकार बिजेपिनि अननायावहाय दिनै प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा सरकार दानो मोनबाय। नोंथांमोना दिनै मावदोना, दिनै बिथाङा जे बुंदों इट इज नट आन्डार स्टेट आन्डार काउन्सिलसो होननानै बुंदों बिथाङा, बे बिराद दिनैहाय जोङो नुनो मोनबाय बयबो इडुकेटेड मानसिफ्रा दिनैहाय जे मानसिफोरजों शान्ति सुक्ति जानानै फैदोंमोन, एग्रिमेन्टखौ पिस एकर्ड खालामदोंमोन, नाथाय बहाय जोङो पिसफुलखौ जोङो नुनो मोनाखै। आरो थांनाय इलेक्सनावबो बहा जोंनि गसाइगाव एरियायावहाय सासे खामियारा जाफैजादों आरो सासे आखाइ बुफायजानायखौ जोङो मोन्दों। जाखब बर' गसाइगावनि बिथाङा आखाइ बुफायजादों आरो सासे दंबावमोन बेबो खामियारा जाफैजादों। बे शान्ति नामा, आंथ' शान्ति हिसाबै मोनाखै रायजो राजाफोर। नों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मा बुंनो हास्थायदों नोंथांमोना खोनासंनानै नाय। Part where Bodo people were living, but with the effort of our leaders, with the effort of national leaders, and with the effort of the regional leaders or state leadership of Assam, now peace started. Peace is there in the borderland region. That's why I'm saying that. At this moment, we are very lucky and very happy at this moment. And people of the region could rethink on their future. They are rethinking how to start the development
activities which they could not think even for a moment. 3 years back, if we go, whatever the situation, was in such a condition that people from morning to evening only thought of their survival, their security. They could not even think of their future generations. But after 2020 peace accord, everything changed. But still there is question how long this change will sustain. The question is still there, because people are experiencing and people are witnessing lots of, you know, repetition of the situation in some part of the region and the state and the country, even in the entire globe. One century, one region become peace and calm. Next century, again, the same region face another, you know, violence and disturbance. This kind of situation are repeatedly happening in the country, in the region. So people are still not confident enough that that kind of situation will not repeat in our region, because there is no any institutional approach and institutional effort that peace should be sustained in every region for, you know, a long time, and there should not be any kind of violence and conflict again, and conflict should not be the part of human life. That kind of approach is not there in anywhere in the institutions. In Guwahati University, one subject was started to talk, that is conflict resolutions. But other than Guwahati University, I don't think in the northeastern region there is any university and any colleges where this conflict resolution is discussed and it is, you know, analyzed, and people come and share their you know, pains. There is no any institutions. And even what I have experienced in my few years activism, that government also, any form of government, whether it is center, it is state, the thing of peace when there is disturbance in governance. Unless there is any disturbance in governance, if people are facing trouble and difficulties and they have lots of problems, still there is no intervention. So in many places the conflict and the communal violence or anything, that kind of situation are not created, or that is not you know, taken place in one day or two. It is long time, you know, some inconvenience that is taking place, in misunderstandings that is taking place for long time. So presently, as an I was working for long time as an activist, and at the time when I was in movement, we thought of justice, we thought of a constitutional right to be given to each and every ethnic groups of the Northeast, and you know, the tribal people. And some issues are there till the 77 years of independence, which are not intervened till now. So as a citizen of the country, people are still waiting that someday there will be some decisions and policy which will address the long pending grievances and issues of the people of the Northeast, and also the Bodo peoples. So Bodos have signed 3 accords
1993 one accord, again 2003 another accord, and 2020 the third accord. It is not only the Bodo community who signed the accords with Government of India and state government. There are so many communities in the Northeast and maybe other part of the country also. They have signed so many accords. But sometimes we see the lack of sincerity by the authority concerned to implement the accords, the clauses of the accord in given time or due time. So the people who signed the accord, they face many problems because community, the society and the people, they believe to their leaders. And leaders believe on government. And when there is a movement, during the movement time, it seems like it is an anti-national movement. But there are many movements in the country which are not anti-national. It is within the nation just to ensure the right and protection of their identity, culture, language, whatever given by the constitution of the country. So I don't see any mechanism that in regular basis or with a review mechanism that it can be checked. That is not happening. I am talking of the six schedules. Six schedule councils has been formed in Northeast India, especially Assam, Mizoram, Tripura, Meghalaya, and some were formed maybe without bloodshed, some were formed after lots of demands and bloodshed and the martyrs of many people. In Bodo case, we have lost almost 5,000 the people in our movement, and the six schedule is formed. As constitutions, as the directive principle is there, the power is distributed center and state, and council is below the state. It is not union territory also. So once it is formed, there is no any mechanism unless we demand and request to the authority concerned to relook what is happening. There is no any process that government call the council people, council leaderships and discuss. The states are invited to discuss so many issues. The CMs are invited for so many issues. Council is under six schedule. It is not under state act. I think there should be a mechanism by the authority concerned, the council which formed 50 years back, to relook and check the status and condition of the councils and whether the aspirations of the people were met or not. Because all movements are coming out of some issues, some problems, some grievances. And once they signed the accord and formed the council, I think it is the responsibility of the government. Signing the accord is not the end. It is a belief that it is the end of the one revolution and movement. But when there is a movement for creation of something, building of something, then it is not end, because sangharsh and nirman. Sangharsh ka matlab hi hota hai nirman. To hum log nirman ke liye sangharsh kiye the. तो निर्माण हम लोग कैसे करेंगे अनलेस वी हैव दी सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट्स. सो दिस काइंड ऑफ इश्यूज आर देयर. तो इसीलिए देशवासी होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते, मेरा ये मानना है हर इशू, एनी इशू, एनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व. इट इज नॉट दैट कि इट कैन नॉट बी सॉल्व. Anything can be solved, but with the objective of building the nation economically superpower and defense,
military super power आप सोचते हैं वो ठीक है, but at the same time we have to check how much our citizens are happy. वो एक मुझे लगता है. तो आज मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बोडोलैंड जो है हम लोग 1967 से मूवमेंट शुरू हुआ था और एक उम्मीद लेके एकॉर्ड्स करते हैं और एकॉर्ड का इम्प्लीमेंट के लिए भी सब लोग एक आशा लेके बैठे हैं. ये टाइम में होना चाहिए, बट देयर इज लॉट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी. आई डोंट से द रेड टेपिज्म, बट ब्यूरोक्रेसी इश्यूज आर देयर and the interest of the nation and interest of the some tiny ethnic community are not equal. National interest kahi hai, hum log ka interest kahi hai, aur national leadership bada sochte hai, lekin hum log bhi ummeed leke baithe hai ki ye samasya to national leadership hi solve karenge aaj nahi to kal. To maine dekha notice mein कि बहुत सारे जो इश्यूज है, इतनी साल आर्मी ऑपरेशन रहा, कॉन्फ्लिक्ट रहा, वो जितना आपने इसके लिए पैसा खर्चा किया, थोड़ा सा अगर दिल से जुड़ने का काम भी थोड़ा किया होता लोगों से शेयर करने के लिए, तो शेयर द इश्यूज, शेयर द प्रॉब्लम्स, टू अंडरस्टैंड द पीपल वेदर दे नीड मनी और दे नीड सम अदर थिंग्स. सो उसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए मुझे ये लगता है. अभी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी इसका बात किया नहीं गया कि इंसर्जेंसी इतना सालों से रहा, तो उसका एक अंडरस्टैंडिंग सिर्फ ब्यूरोक्रेसी लेवल में या टॉप लेवल पॉलिटिकल लेवल में इसको नहीं रखते हुए ये मुद्दा एक सार्वजनिक मुद्दा जैसा हो गया है, सब लोग उसको जानते हैं, सब लोग फेस करते हैं. तो इसीलिए हमारे जो जनरेशन्स हैं इनको भी समझाना है कि मुद्दा है क्या. तो उसके लिए कुछ काम, कुछ एक्टिविटी होना चाहिए मुझे यह लगता है. बट ओवरऑल व्हाट वी वांट इज वी वांट पीस, एंड पीस एंड लव दिस आर टू वर्ड्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम लोग किसी को प्यार करते हैं तो हम लोग प्यार को खोने के लिए कुछ गलत काम नहीं करेंगे. दूसरा जो है पीस, इफ़ यू आर ए पीस लवर, आप कभी भी वो काम नहीं करेंगे जिससे आपका पीस ब्रेक हो जाता है. तो इसीलिए ये स्कूल्स में, कॉलेज में हम लोग जो पढ़ा रहे हैं इसमें पीस का भी बात जिक्र होना चाहिए. और लॉन्ग टाइम जो एक्सट्रीमिज्म हो रहा है उसका फिनिशिंग कहाँ है, कब है, उसका भी थोड़ा सा बातचीत जो है ये होना चाहिए. तो मुझे लगता है आप लोग तो बहुत अच्छे से समझते हैं, नोटिस्ड काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आया है. और हमारे जो वर्तमान के प्रधानमंत्री जी है, वर्तमान के गृह मंत्री जी है, वो लोग काफ़ी मुझे लगता है दिल से लिया है नोटिस को. इसीलिए डेवलपमेंट भी काफ़ी हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अलग अलग डेवलपमेंट हो. और असम में तो हमारा मुख्यमंत्री जी जो है ही इज़ वेरी डेडिकेटेड एंड कमिटेड फॉर द पीपल ऑफ असम, तो एंड ऑल्सो पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट. तो उसको ही मुझे लगता है कि ये जो शुरू हुआ है ये कंटिन्यू होना चाहिए. और थोड़ा सा और अगर पॉजिटिव टिल देखा जाए, मुझे तो लगता है कि नोटिस इतना सुंदर है, प्रकृति की उससे नेचुरली सो ब्यूटीफुल. सो इफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कंटिन्यू फ्रॉम वायलेंस टू पीस एंड डेवलपमेंट्स, जो नया शुरुआत हुआ है ये अगर कंटिन्यू होगा तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ये जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने अष्टलक्ष्मी का वर्क किया है वो ज़रूर ऐसे ही होगा.